हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। ये मैंने ब्लॉग बनाया था। मैं गई थी दिल्ली के रेड फोर्ट। मैं यहाँ पे काफ़ी बार जा चुकी हूँ, बट यहाँ पे एक म्यूज़ियम खुला है जो कि मेरा देखने का काफ़ी मन था, और ये थोड़े दिन हो गए तब से खुला हुआ है, बट मैं जा नहीं पाई। तो मेरा यहाँ जाने का काफ़ी मन था, तो इस बार मैं थी, मतलब अवेलेबल थी और मैं अकेली थी, तो मैंने कहा चलो घूम के आया जाए। तो यहाँ पे जो ये म्यूज़ियम है, तो मुझे टिकट जो मिल गई थी, तो मैं मॉर्निंग में जल्दी चली गई थी, बिकॉज़ वीकेंड था, वीकेंड पे भीड़ बहुत होती है। तो मैं सुबह जल्दी चली गई थी, और जल्दी गई थी तो जो मेन गेट होता है वो बंद था, तो मुझे पीछे वॉक करके काफ़ी लंबा चलना पड़ा। तब पीछे बैक साइड से एंट्री थी, तो काफ़ी मेरा राउंड पड़ गया। और मंडे को जो रेड फोर्ट होता है वो बंद होता है, तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी, तो उस टाइम इतनी भीड़ थी नहीं, काफ़ी खाली था और अच्छा भी लग रहा था, बिकॉज़ वैसे तो जनरली बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। और मैं ये गई थी मार्च में, ये मार्च का ब्लॉग है तो मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट ये म्यूज़ियम खुला रहता है, आप कभी भी जाएँ, आप वहाँ से भी टिकट ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए। मैंने ये बुक माई शो से इसकी टिकट बुक करी थी, तो मैंने ये टिकट बुक माई शो से बुक करी थी, और इसका प्राइस 100 रुपीज़ ही था। और ये जो म्यूज़ियम और जो लाल किला है वो मंडे को ऑफ रहता है, बाकी सारे दिन ओपन रहता है। आई थिंक सुबह 9:30 बजे से शाम के 7:30 तक, मतलब जब तक सनसेट होता है तब तक ओपन रहता है। और इवन यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो कि मैंने बहुत पहले देखा था, तो वो भी अभी भी चल रहा है, और वो अब काफ़ी और अच्छा हो गया, जो कि सनसेट के बाद होता है। और उसके टिकट प्राइस आई गेस 500 रुपीज़ हैं, लेकिन वो बर्थ है, मतलब अगर आप कभी रेड फोर्ट या दिल्ली कभी आएँ तो ये चीज़ें एक्सप्लोर करें, बिकॉज़ पहले ये इतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी, पहले तो बस ऐसे ही फोर्ट ही था। अब काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। तो ये अंदर म्यूज़ियम के अंदर ये एक शो था, तो ये दिखाते हैं, ये 15 मिनट का होता है जिसमें पूरा लाल किले के बारे में बताते हैं, ये काफ़ी अच्छा था। तो जैसे इंटर होंगे तो एक साइड टिकट काउंटर है, उसके बाद ये शो वाला सेक्शन है जो कि आपको दिखाया जाएगा, 15 मिनट का होता है, और उसके साइड में खाने पीने का भी है, वहाँ पे 2 कैफ़े खुले हुए हैं, तो आप वहाँ पे खा पी सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर वाली फ्लोर है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये म्यूज़ियम है, और सबसे अच्छी बात है ये पूरा AC है, तो आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, हर चीज़ बहुत ही अच्छी है, काफ़ी मतलब अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं सुबह जल्दी पहुंच गई थी, तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, आई गेस मैं थी, 1-2 लोग और थे, तो पूरा म्यूज़ियम खाली पड़ा था, तो मैंने बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे से एक एक कोना, एक एक जगह बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लोर करी। और इसीलिए ये मेरा ब्लॉग थोड़ा बड़ा भी है, मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करी थी, हर चीज़ देखने में, सब कुछ, कैसे रेड फोर्ट बना, क्या क्या उसकी हिस्ट्री है और क्या है, कैसे है, मतलब सारी चीज़ें इतनी डिटेल में, और हर ये मतलब ये इनमें सब लिखा हुआ था, और ऊपर से इनमें बीच बीच में म्यूज़िक भी आ रहा था, तो उसमें वो सब बता रहे थे कि कैसे क्या हुआ था, कैसे मतलब कौन कौन से यहाँ पे मतलब कौन कौन के दरवाजे थे, क्या क्या था, कहाँ पे क्या होता था, तो हर चीज़ इतनी प्यारी, इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करी। मैं रेड फोर्ट बहुत बार गई हूँ, और मतलब जब भी कोई आता है घूमने या कुछ भी, तो रेड फोर्ट हम ज़रूर जाते हैं, तो घुमा के लाते हैं सबको, बट ये म्यूज़ियम मैं कभी नहीं गई, ये स्पेशली मैं इस बार बस ये म्यूज़ियम ही घूमने गई थी, और मुझे इसका देखने का काफ़ी मन था, और सच में ये वर्थ विज़िट है। अगर आप दिल्ली में हैं या फिर दिल्ली आ रहे हैं या कभी घूमने जाएँ, तो आप रेड फोर्ट ये वाला सेक्शन जरूर विजिट करें, और ऊपर से ये पूरा AC है, तो गर्मी की ऐसा कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग मतलब सेक्शन बने हुए थे, एक जगह पूरा इन्फॉर्मेशन थी कि रेड फोर्ट कैसे बिल्ट हुआ, क्या क्या हुआ, उसके बाद फिर उसके आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया कि कैसे क्या था, और जो राजा वगैरह, जो मुग़ल बादशाह वगैरह रहते थे, तो उनकी लाइफ कैसे होती थी, और क्या क्या उनके ट्रेडिशन होते थे, और कैसे उनके क्लॉथिंग का कलेक्शन होता था, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट की गई हैं। और ये पूरा एरिया था, ये
काफ़ी बड़ा था, मतलब एक साइड से जाके दूसरे साइड तक, और मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, मुझे तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा, काफ़ी मतलब मैंने इंजॉय भी किया। और सबसे बेस्ट थिंग ये थी कि मैं जल्दी पहुंच गई थी तो पूरा खाली था, तो एक एक कोना एक एक जगह मैंने अच्छे से एक्सप्लोर करी, सब कुछ बढ़िया से देखा। और ये सारी चीज़ें, यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था जो जिसमें सारी चीज़ें बता रहे थे कि कैसे क्या हुआ, पहले कैसा था अब क्या हो गया, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो आप लोग जब कभी दिल्ली आएँ या फिर दिल्ली में हों तो इसको ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये जो म्यूज़ियम था इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रखा था, एक था सफ़र, एक था ज़िंदगी, एक था तारीख और एक था हम एक हैं। तो इसमें हर एक सेक्शन में अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया था, जो कि मतलब काफ़ी सही था। इसमें सबसे पहले जो सफ़र था तो उसमें बताया गया कि रेड फोर्ट पहले कैसा था, अब क्या हो गया और क्या क्या इसमें चेंजेस वगैरह किए गए हैं। और उसके बाद ज़िंदगी था तो उसमें इसके पूरे आर्किटेक्चर की बात करी गई है, और जो वहाँ के जो मुग़ल बादशाह थे उनके रॉयल ट्रेडिशनर और उनकी कैसी लाइफ होती थी, लग्जूरियस जो लाइफ होती थी, कैसे वो रहते थे, तो उसके बारे में पूरा रिप्रेजेंट किया गया है। और हम एक हैं उसमें रिप्रेजेंट किया क्या रेड फोर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है जो इंडिया के और किले हैं उनके अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें रिप्रेजेंट की गई थी। और ये मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन था, और इनफैक्ट इसके मैंने वीडियोस फ़ोटोज़ बहुत देखे थे ऑनलाइन, तो मेरा काफ़ी मन था कि एक जगह कहाँ पे है, तो मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, फिर मुझे पता चला ये रेड फोर्ट के अंदर ही है। तो जो मेरा देखने का मन था वो सबसे ज़्यादा इसी को देखने का मन था। ये काफ़ी अच्छा था, ये 3D रूम टाइप था जहाँ पे काफ़ी मतलब लग ही नहीं रहा था, जब मैं पहली बार देखा तो मुझे लगा ये कैसा है क्या है, मतलब बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई थी। तो ये उस म्यूज़ियम का मेन अट्रैक्शन है और मैं इसी को देखने के लिए गई थी, और मैं पूरा अकेले ही थी, मैंने जैसे बताया कि मैं जल्दी में पहुंच गई थी तो मेरे लिए ये बेनिफिट हो गया, नहीं तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लोग घूमते रहते हैं, कोई अपना वीडियो बना रहा है कहीं कुछ, तो मैं जल्दी पहुंच गई थी तो मेरे लिए ये थोड़ा बेनिफिट हो गया था कि मैं पूरे में खाली थी, तो मैंने एक एक कोना एक एक जगह काफ़ी अच्छे से कवर की, काफ़ी अच्छे से घूमा, और एसी लगा हुआ था तो गर्मी की कोई टेंशन नहीं थी, आराम से बहुत ही अच्छे से, मतलब मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर एंगल से वीडियो बनाए, हर एंगल से फ़ोटोज़ खींचे, और काफ़ी वर्थ था, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसी जगह जाना, ये चीज़ें घूमना उमना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, कोई मेरे साथ जाए तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं भी है तब भी मैं अकेले इन्जॉय कर लेती हूँ, ये थोड़ा मतलब मेरा है सीन, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट था। इसके बाद फिर मैं बाहर आ गई तो इधर के और जो सेक्शन से वो देखे, और ये पूरा मेन बाहर का था जो कि बहुत सही था, मतलब बहुत ही अच्छा, मुझे तो बढ़िया लगा। तो ये एक और दूसरा सेक्शन था जिसमें काफ़ी अच्छे से कर रखा था, इसमें पूरा ईयर वाइज दिखाया था कि इस ईयर से लेकर उस ईयर, फिर उधर साइड, मतलब हर साल का दिखाया कि कैसे क्या चेंजेस होते गए, क्या क्या नया हुआ और कैसे करके, ये काफ़ी सुंदर लग रहा था, मतलब जो पेंटिंग्स वगैरह थी जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा था, ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये भी मेरा एक फेवरेट पार्ट था उधर का, काफ़ी अच्छा लगा था। और यहाँ पे मतलब वही जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह और पूरा वो चल रहा था वॉइस ओवर वगैरह, तो जहाँ पे आप पूरा थोड़ी देर बैठ के थोड़ा खड़े होके पूरा सुन सकते हैं कि क्या क्या हुआ। उसके बाद ये दूसरा सेक्शन था तो यहाँ पे एक म्यूज़िक का था, तो यहाँ पे क्या है कि लिखे हुए हैं क्या क्या टोन है कौन कौन से, और आप जैसे उस पर टैप करेंगे तो फिर वैसा म्यूज़िक चलने लग जाएगा। तो मैंने आगे थोड़ा उसमें थोड़ा म्यूज़िक का पार्ट डाला है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और ये वॉल काफ़ी अट्रैक्टिव थी, सारा मतलब डिजिटल ही था, आप इसमें टच करेंगे तो वैसी टोन बजने लग जाएगी, तो बहुत बढ़िया था, मुझे ये वाला चीज़ भी बहुत अच्छी लगी थी। Thank you.
अब मैंने पूरा म्यूजियम घूम लिया था, अब मैं बाहर निकल रही थी। मैंने कहा बाहर निकलने से पहले एक बार ये सेक्शन और देख लूँ। ये वाला तो मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट था। तो ये पूरा म्यूजियम था जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है, और पूरा एयर कंडीशनर है, अंदर ही पूरा खाने पीने का भी है, और आराम से आप घूम सकते हैं। बैठने का भी थोड़ा स्पेस है वहाँ, एक दो जगह बेंच पड़ी हुई हैं तो आप वहाँ बैठ सकते हैं, और काफ़ी सेक्शन बड़ा हुआ है, बड़ा है तो आप आराम से पूरा सही से घूम सकते हैं। बट वीकेंड वगैरह पे थोड़ा जल्दी जाएं, नहीं तो वर्किंग डेज में जाएं तब भीड़ नहीं होती है। तो फिर बस उसके बाद मैं वापस आ गई। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ ब्लॉग। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।